the Anemone. जिस कैफ़े में जाने के लिए सोच रहे थे वो कैफ़े ही 10 o'clock खुलता है एंड इट्स 9:12, तो हमारा तो प्लान ही वो हो गया यार। और अमान इतना ज़्यादा डेस्परेट लग रहा है इस वक्त यहाँ जाने के लिए कि कहता हम कहीं पे बैठ के वेट कर लेते कि ओपन हो जाए। अमान सीरियसली ही वांट्स टू हैव लाइक इंग्लिश ब्रेकफास्ट प्रॉपर और पैनकेक्स एंड स्टफ, पर ये तो क्लोज्ड है अभी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं धर्मपुर टोल पे और हम लोगों ने फास्टैग नहीं रिचार्ज करवाया हुआ, तो हम लोगों को सब कुछ डबल डबल पड़ रहा है। अच्छा, हम लोग को तो ना कोक स्टूडियो सुनना बहुत पसंद है। किस किस को कोक स्टूडियो सुनना पसंद है? हम लोग वी लव कोक स्टूडियो। अगर आप लोग कोक स्टूडियो पसंद है हमारी तरह तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कमेंट करके। यार ये जो यूट्यूब के इतने अच्छे अच्छे गाने हैं ना, पर ये जो इन पे कॉपीराइट का जो मुसीबत है ना, सच्ची मतलब मेरे को इतनी ज्यादा हो रही है। मैं बात करना चाह रही हूँ, मैं चाहती हूँ हम लोग इंजॉय करें और ब्लॉग भी बनाए, और पर ये जो कॉपीराइट का मुसीबत है ना भाई, ऑडियो तो सच्ची में आई हेट इट। अच्छी है। तो गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पे धर्मपुर में जो बरिस्ता है, और हमारा कि कॉफ़ी ले लेते हैं और कुछ खा लेते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट किया नहीं था, और जहाँ पे जाना था वो कैफ़े बंद था। तो हम लोग बरिस्ता आ गए, और बरिस्ता हम पहले भी आए हैं। सो इनकी कॉफ़ी यूजुअली अच्छी नहीं होती, बट आज हमने कस्टमाइज़ करवाई अपने आप बता के कि कैसे कॉफ़ी बनानी है, हाउ टू बी लाइक इट, तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाई है। सो आज कॉफ़ी अच्छी है, और ये है मार्बल केक। So let's taste. केक अच्छा और व्यू बहुत अच्छा है, अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हो तो इट्स अ नाइस प्लेस। सो जोना की डैड को उसकी याद आ रही है, और हम कर रहे हैं उसकी मासी से बात, और मासी ने दिखाया है जोना को। Oh,
बस यार ब्रेकफास्ट करना है, भूख लग गई है, होप यहाँ पे कुछ मिल जाए। चलो लेट्स गो। कैमरा ने ऊपर क्यों मुंह उठाया यार, लग तो ये अच्छी लगा रही है पर। अच्छा बना हुआ है ना, लकड़ी लकड़ी का सारा। पनीर पराठा, ये है आलू पराठा, ये है कर्ड चाय, हमने ऑर्डर किया, चाय आने वाली है और काफ़ी क्रिस्पी है, अच्छा लग रहा है। Finally, we have reached, and this is our property. हाँ, बहुत ज़्यादा height पे है, it's a 5. ये है वॉशरूम और सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, टॉयलेट्रीज हैं, ड्रायर है, बेडिंग एरिया है अलग से, शावर और न्यूली बिल्ट प्रॉपर्टी है। और ये है वॉशरूम जहाँ पे पार्क क्लोथ्स, ये एक और एक्स्ट्रा स्पेस है। एंड देन वी हैव दिस बेड, ब्यूटीफुल बेड, वहाँ पे फोन है ऑब्वियसली, रिमोट है, ग्लासेस हैं, LED here, and we have this fridge here, and we have this kettle here, we can make coffee or tea. We have this sitting space here, wo side pe study table hai, and the best part of this room is this balcony. Yay! Wow, look at the view. I can die for this view. Really? So beautiful. That's okay. You're supposed to say it is okay, Aman. This is it. That's how you show your excitement. Ta-da-da. I like it. So guys, हो गए रेडी, रेडी वेडी होके निकल गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी कुछ खाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड, वहाँ पे एक बहुत अच्छा कैफ़े, हम लोग वहाँ जा रहे हैं बिकॉज आई एम वेरी हंग्री एंड ऑफ कोर्स अमान इज़ आल्सो वेरी हंग्री। अमेजिंग वेदर है यार, मतलब मज़ा ही आ गया सीरियसली। Thank you.
गाइज हम लोग आ गए हैं मॉल रोड पे, और मॉल रोड में एक बहुत ही कूल सी जगह है जिसका नाम है कैफ़े है, इट्स द नेम इज़ द ब्रू कंपनी एंड इट्स ब्यूटिफुल. आई विल शो यू अराउंड थोड़ी देर में. फर्स्ट वी जस्ट ऑर्डर्ड फूड और अभी हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अभी हम खाना खाने वाले हैं और हमने कुछ ऑर्डर किया है. तो सारा एक्चुअली यहाँ पे ऑर्डर नहीं किया क्योंकि हम एक दो जगह पे और भी जाना है, तो हम चाहते हैं कि हम अच्छे से एक्सप्लोर कर लें. बट दिस प्लेस इज़ ब्यूटिफुल, लुक एट द व्यू फ्रॉम योर, और इट्स जस्ट सो ब्यूटिफुल. अमान एंड स्टाफ इज ऑल्सो वेरी नाइस, वेरी फ्रेंडली स्टाफ. अच्छा लग रहा है, हम लोग फॉग के बीच में चल रहे हैं. मतलब आई डोंट नो ये फॉग है या क्लाउड है, पर दे आर टचिंग. सो गाइस हम लोग आए हैं इस क्यूट से कैफे में वेक एंड बेक, और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है. तो लुक एट द व्यू. मतलब ऐसा लग रहा है कि आप नीचे बैठे हो. सो मच फनी, और सामने फॉग है एंड वी जस्ट ऑर्डर्ड आवर कॉफी. कॉफी ट्राई करती हूँ. आई ऑर्डर फॉर कैपेचिनो, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है कि मैं लाटे पीती हूँ, बट आई लाइक स्ट्रॉन्ग कॉफीज. और वेदर के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे थोड़ा ठंडा है और रेनी सीजन है, तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कॉफी बहुत अच्छी लगती है. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. अमान से गुड मॉर्निंग. हाय मॉर्निंग. सो गाइस हम लोग हो गए हैं रेडी, और बस फटाफट से अब ब्रेकफास्ट करने के लिए जाएंगे. उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है. लुक एट द व्यू. आई स्वेयर इस रूम से इतना प्रिटी व्यू है ना, पर यार पता नहीं ये फॉग की वजह से कुछ भी नज़र में नहीं आ रहा है. आई और एक्साइटेड, मैंने इतना कुछ साथ में डाल दिया क्योंकि मैंने रात को डिनर नहीं किया था. मैंने रमान दोनों ने डिनर किया, तो प्रिया वही पास्ता इज अमेजिंग. सो गाइज दिस इज़ द डे टू इन शिमला, और हम लोगों ने वैसे तो ब्रेकफास्ट कर लिया था, पर मेरे को बहुत मन था कि मैंने कहा अमान हम कहीं बाहर चल के ना अच्छा सा ब्रंच करेंगे. तो बस हम लोग जा रहे हैं कहीं पे, वी आर लुकिंग फॉर अ नाइस प्लेस एंड देन विल सिट एंड हैव आवर ब्रंच. दिस कोल्ड कॉफी इज़ रियली नाइस. और हम लोग अभी आए हैं ब्रू एस्टेट में, कहाँ पे ये मॉल रोड पे ना, मॉल रोड से थोड़ा सा ऊपर चढ़ के है, पर बहुत अच्छी जगह है, वर्थ कमिंग. ब्रिज पे यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा है, और आर्किटेक्चर ये भी बहुत अच्छा है. कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी है और बहुत ठंडी है. मैं अभी अभी बीमार होके आ रही हूँ यार, मुझे पता नहीं मैं क्यों पी रही हूँ. थोड़ा सा
everyone is having it. So this good, quite. So guys, I hope आप लोगों को ये vlog पसंद आया होगा. अगर आया है please like, share, comment and subscribe to our channel भावी एन अमान. एंड जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दे दूंगी कि हमने ये जो होटल का जो ये रूम है ये हमने कौन सी साइट से बुक किया है और हमें कितने का क्या टैरिफ पड़ा है इसका और हमें कितने डिस्काउंट्स मिले हैं इसमें और जो भी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस ट्रिप मैं सारी की सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. और अगर कोई भी आपको क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है कि आपको जानना है कि हम कहाँ गए थे और कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर की, कौन कौन सी जगह अच्छी है या कुछ भी है, तो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और बस हम लोग ट्राई करेंगे कि हम आगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ आप लोगों के सामने आए. और या आई थिंक ये हमेशा मेरी नकल करता है यार. सो और कुछ बोलना है? काट दो इसको, अरे इतनी तो सोचने तो दो उसको इतनी देर. Puppy and a mom.